नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज़ में। और इस वक्त खड़े हैं हम हल्द्वानी की सड़कों पर और आप देख रहे हैं मेरे पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुलूस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश, और सामने से डिंपल पांडे आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। और इस वक्त वो शोएब अहमद जो इनके महासचिव हैं, मुख्य महासचिव, उनके ऑफिस की तरफ ये रैली जा रही है। और डिंपल पांडे जो हैं अभी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के सामने उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, सदस्यता ली है। और आज डिंपल पांडे जो हैं यहाँ आ चुके हैं हल्द्वानी में, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत समर्थन, बहुत सारी यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर डिंपल पांडे का स्वागत करती हुई नज़र आ रही हैं। और हमारे पीछे डिंपल पांडे, उनके साथ शोएब अहमद, खुली जिप्सी में सवार, और समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए यहाँ पर डिंपल पांडे यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, हम देखते हैं और चलते हैं इनके कार्यालय में, क्योंकि इनका स्वागत समारोह, जो मुख्य स्वागत समारोह, इनके कार्यालय में है, और वहीं बात करेंगे डिंपल पांडे जी से। तो इस वक्त डिंपल पांडे जी समाजवादी पार्टी से दायित्व लेके जिला अध्यक्ष का, और शोएब अहमद जी हमारे साथ हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं हल्द्वानी में, और भव्य स्वागत हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे शोएब अहमद जी? डिंपल पांडे जी हल्द्वानी शहर का एक जाना माना नाम है, समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है। ये अभी आपने सवाल खुद ही कर दिया है कि डिंपल पांडे जी हल्द्वानी में एक बहुत जाने माना नाम है, उसी नाम को देखते हुए इनसे विचार विमर्श किया गया, और जिसमें इन्होंने सहमति जताई। और हमारा जो मकसद था, समाजवादी पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है और सर्व धर्म को साथ में लेकर चलने की पार्टी है। उस विचारधारा से हमारा काफ़ी आपस में मेल खाता था विचारों का, तो उन विचारों को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, मैंने इनके विचारों को एक्सेप्ट किया। तो इनकी बात हमने माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रखी लखनऊ में, और 3 दिन में हमारा ये फैसला हुआ। 3 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें समय दिया, और समय देने के बाद इनको अपने नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन करवाई गई है, और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो कितना मजबूती मिलेगी समाजवादी पार्टी को डिंपल पांडे जी के आने से? देखो, एक और एक 11 होते हैं, और जब एक और लग गया तो 111 होते हैं। जितने एक बढ़ाते रहोगे तो आपकी वो संख्या बढ़ती रहेगी। आने वाले समय में ये जो भ्रम था उत्तराखंड के अंदर, जो ये अभी 2 दलों की राजनीति चलती थी, जिनको मैं एक ही रूप से देखता हूँ, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों पार्टियों ने 20 से 21 सालों में इस उत्तराखंड को लूटा है सिर्फ, और दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ कर जिला अध्यक्ष की दायित्व दिया है, और उस दायित्व को मैं अपने पूरे जी जान से, जिस प्रकार से मैं पहले समाज में काम करता था, और कभी मेरी महत्वाकांक्षा वैसे ऐसी राजनीति की नहीं रही, समाज सेवा के लिए ही मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, और आज यहाँ भी सर्व समाज की सेवा करने के ही मकसद से जुड़ा हूँ। जिस तरह से आपने सबको चौंकाया है कि एक कांग्रेस और बीजेपी को ना चुनते हुए आपने समाजवादी पार्टी को हल्द्वानी में चुना है, और आपकी राजनीतिक सफर की शुरुआत आम आदमी पार्टी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जनता इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से रणनीति से चुनाव यहाँ पर लड़ने की तैयारियाँ कर रही है, और जो वादे कर रही है, जो लुभावने वादे हैं, वो सेम मोदी जी की तरह हैं। अब आप कहेंगे कि मैं आम आदमी पार्टी था तो उनकी तारीफ करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर उस शख्स की तारीफ करूँगा, हर उस पार्टी की तारीफ करूँगा जो जनता के हित के कार्य करेंगे। तो ये थे डिंपल पांडे जी, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अखिलेश यादव ने डिंपल पांडे जी को हल्द्वानी का जिला अध्यक्ष, नैनीताल जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और अखिलेश यादव से मिलके आम आदमी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम के डिंपल पांडे जी आज हल्द्वानी पहुंच गए, और सपा कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखने को मिल रहा है, और भव्य स्वागत इनका किया गया है।